हाय एवरीवन। तो फ्रेंड, जब से सीक्रेट मैसेज वाला ट्रेंडिंग फायर केक आया ना, सभी को प्रॉब्लम आती है कि फायर पेपर हमें नहीं मिलता है। तो आज इसका भी सॉल्यूशन मैं लेकर के आई हूँ आपको। आज मैं जो एडिबल वेफर पेपर होते हैं ना, उनसे सीक्रेट ट्रेंडिंग फायर केक को बनाना सिखाऊंगी। और इस केक को बनाने के दौरान ना, काफी लोगों को डाउट आता है कि इस केक को बनाने के बाद क्या फ्रिज में स्टोर करते हैं, कितनी देर पहले पेपर लगाना होता है, कैसे उसे डिलीवर करना होता है, वो सब बताऊंगी। साथ में मैंने तो अपनी एनिवर्सरी पर सीक्रेट मैसेज वाला आपको फायर केक बताया था, बट आज मैं फोटो वाला आपको ये ट्रेंडिंग फायर केक बनाना सिखाऊंगी। और इस केक को बनाने में मुझसे भी फ्रेंड्स एक गलती हुई, ये पेपर गल जाता है ज्यादा देर पहले लगा दो, तो कैसे मैंने उसे ठीक ठाक किया और कैसे डिलीवर किया वो सब भी बताऊंगी विद पूरी पैकिंग। और साथ ही फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा डाउट भी रहता है कि पेपर जलने के बाद क्या उसकी ऐश गिरते हैं या केक में कोई टेस्ट में चेंज आता है, वो सब भी फुल प्रूफ दिखाऊंगी। तो वीडियो को रिक्वेस्ट है, एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो केक का ऑर्डर है ना फ्रेंड्स, वो है 1 kg के चॉकलेट केक का। और मुझे एक फोटो वगैरह लगा करके उसको ट्रेंडिंग फायर केक में बनाना है और उसको डिलीवर भी करना है। तो यहाँ पर मैंने प्रीमिक्स ना फ्रेंड्स 3 कप नहीं लिया है, तीसरा जो कप है ना उसको हल्का सा कम लिया है, क्योंकि टॉल केक बनाएंगे और उस पर थोड़ी क्रीम वगैरह ज्यादा लगेगी, ऊपर से गनाश भी जाएगा, तो ओवरवेट ना हो जाए केक इसीलिए। और मैं इसके ऊपर चॉकलेट गार्निशिंग वगैरह भी बनाऊंगी, तो उस वजह तो यहाँ पर मैंने फ्लेवरसम शॉप से ना चॉकलेट वाला प्रीमिक्स मंगवाया था, जर्मन ब्रांड वाला, वही लिया है। और उसमें उसी के हिसाब से पानी डाल करके मैंने स्मूथ सा बैटर बना लिया है। अब क्वांटिटी को देखते हुए उसी मेजरमेंट से मैं लगभग 2.5 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे, तो हमारा ये स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा। तो आज जो मैं केक बनाने वाली हूँ ना फ्रेंड्स, उसकी फोटो भी मेरे कस्टमर ने भेजी थी, तो थोड़ा वो टॉल केक था, तो उसके लिए मैं अपना ये टॉल वाला बर्तन ले रही हूँ 6 इंची का, क्योंकि इससे मेरे केक को काफी अच्छी खासी हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर, जो रीयूजेबल होता है, इको फ्रेंडली भी होता है एंड इजी टू यूज। और यहाँ पर मैंने सेट करने के बाद अब डाल दिया है बैटर, अच्छे से टैप कर लेंगे और इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए फ्रेंड्स मैं अपने अगारो का ये एयर फ्रायर यूज कर रही हूँ, तो उससे पहले इसे प्रीहीट करेंगे 170 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए, और आफ्टर प्रीहीटिंग हम इसे बेक करेंगे। ये 1 kg का केक है फ्रेंड्स, तो लगभग 40 से 45 मिनट लगेंगे, हो सकता है 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाए, तो आप इसे आराम से बेक कर लीजिएगा। टेम्परेचर आप 170 से 180 रख सकते हैं और उतनी देर में ये OTG में भी एयर फ्रायर में बेक हो जाएगा। बट बेक करने के बाद चेक कर लीजिएगा, टूथपिक थोड़ा बहुत भी गीला है तो आप इसे 5-10 मिनट ऊपर भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर केक हमारा हो गया है रेडी, ये देख सकते हैं कितनी अच्छी हाइट इसकी आ गई है, और अब हम इसे ठंडा करके आगे की प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर केक को डिमोल्ड कर लेते हैं पहले फ्रेंड्स, और फिर इसकी लेयर्स को कट करेंगे। और आज ना फ्रेंड्स मुझे इसके लिए थोड़ी सी चॉकलेट गार्निशिंग भी बनानी है, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग भी इस तरीके की बनानी है कि कलर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए बट चॉकलेटी कलर होना चाहिए। तो मतलब कस्टमर की ना कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, तो मैं उसी हिसाब से इस केक को बनाऊंगी और आपको सिखाऊंगी भी। तो अभी टॉप लेयर रिमूव कर रही हूँ और फिर हम इस केक की ना 4 लेयर कट करेंगे, क्योंकि हाइट में केक बनाया हमारा 1 kg का है, तो आराम से 4 लेयर हो जाएंगी और चारों लेयर्स में जाएगा चॉकलेट गनाश क्रीम, तो ओवरवेट ना हो जाए इसीलिए मैंने प्रीमिक्स की क्वांटिटी थोड़ी पहले ही कम कर ली थी। आप भी इसी तरीके से केक बनाइएगा, अगर ऑर्डर पे बनाते हैं केक का पहले डिजाइन देख लीजिए उसके अंदर क्या क्या चीजें लगने वाली है, और फिर उस हिसाब से बैटर बना करके अपने केक स्पॉन्ज का वेट आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टर्न टेबल पर मैंने एक लेयर रखी है, हल्के पानी से इसको मॉइस्ट करेंगे, सादा पानी है ये, प्लेन वाटर। अब इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे, क्रीम यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने करीब 600 से 650 ml क्रीम विप की थी, क्योंकि इस टॉल केक के बाद ना इसके ऊपर मैं जो मैसेज वाला डिजाइन बनाने वाली हूँ उसमें भी थोड़ी क्रीम एक्स्ट्रा जाती है, तो उस हिसाब से मैंने विप की है। अब यहाँ पर क्रीम को स्प्रेड करने के बाद मैं इस पे चॉकलेट गनाश डालूंगी जो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ, और इसकी रेसिपी तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो इवनली स्प्रेड करने के बाद चारों लेयर्स को हम एक एक करके ऐसे ही प्लेस कर लेंगे, तो इससे क्या होगा हमारे केक को अच्छी खासी हाइट मिल जाएगी, हर एक लेयर में चॉकलेट गनाश जाने से टेस्ट अच्छा आएगा और मतलब हमारा जो काम है ना वो ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइट के हिसाब से आप क्रीम को फिल कीजिएगा, जितनी आपको ज्यादा हाइट चाहिए तो थोड़ी क्रीम ज्यादा लगा लीजिएगा। और इस तरीके से देखिए मैंने चारों लेयर्स सेट कर दिए। अब थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर के ना इस केक की करेंगे हम क्रम कोटिंग, और फिर इसके लिए एक स्पेशल सी डार्क कलर की चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाएंगे, बट उसमें हम कलर वगैरह बहुत कम यूज करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी डार्क चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाने का कम चॉकलेट के साथ। यहाँ पर क्या करना है आपको, क्रीम लेनी है, उसमें डालिए आप कोई भी लिक्विड ब्राउन कलर, तो मैंने ये लिक्विड कलर डाला है, साथ में एक से दो ड्रॉप डाल दीजिए आप जेल कलर, बस इससे ज्यादा कलर आपको डालने की जरूरत नहीं है। अब इसको मिक्स करने पर ये शेड बहुत लाइट आएगा, मुझे भी मालूम है, ये देखिए मिक्स किया तो शेड बहुत लाइट आया। अब लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर ना टेस्ट के हिसाब से और कलर के हिसाब से हम डालेंगे चॉकलेट गनाश, उससे क्या होगा कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, टेस्ट अच्छा आ जाएगा। एंड फाइनली इसके अंदर इसको मिक्स करने के बाद हम डालेंगे कोको पाउडर, मैं मोहन इम्पैक्ट का कोको पाउडर डालूंगी, और तब देखिएगा
कितना बढ़िया कलर इसमें आएगा। तो ये डाल दिया है मैंने और बढ़िया से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जितना डार्क कलर चाहिए आप उसमें कोको पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम क्रीम के अंदर कोको पाउडर वगैरह डालते हैं ना तो क्रीम थोड़ी ड्राई होने लगती है, क्योंकि ये जो कोको पाउडर होता है ना ये सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर लगे आपको कि क्रीम बहुत ड्राई हो रही है तो थोड़ा सा पानी हल्का सा छींटा दे करके भी अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोको पाउडर डाला है ना फ्रेंड्स, तो अभी आपको क्रीम का टेक्सचर मैं दिखाऊंगी, बट मैं उसे कैसे भी संभाल लूंगी स्क्रैपर को गीला करके, पैलेट नाइफ को गीला करके। तो आपको भी सेम एज इट इज ऐसे ही काम करना है। और अगर आपको लाइट शेड चाहिए तो चॉकलेट घनाश और कलर से आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ कोको पाउडर डाला है ना तो आप देख सकते हैं क्रीम थोड़ी सी ड्राई लग रही है, बट स्क्रैपर को गीला करके अगर आप इसकी फिनिशिंग देंगे तो वो ऑलमोस्ट उसी तरीके की हो जाएगी जैसे हमारे नॉर्मल केक्स में होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, कोको पाउडर डालने के बाद हल्का सा क्रीम को ना मॉइस्चर देना पड़ता है, चाहे तो आप क्रीम में दे दें या फिर केक पर इस तरीके से स्क्रैपर की मदद से दे दें। तो केक की ऑलमोस्ट थोड़ी सी फाइनलाइजिंग हो चुकी है क्रीम लगाने के बाद, मैंने इसे बोर्ड पर भी शिफ्ट कर लिया है और पैलेट नाइफ को निकाल लिया। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर मैं दूंगी क्योंकि उनकी फोटो के हिसाब से मुझे काम करना है। तो यहाँ पर मैंने स्क्रैपर लिया और इस तरीके से रोटेट करके इसके ऊपर पैटर्न बना लिया। ये देखिए अब ऊपर जितनी भी रफ एजेस है ना उस पर भी थोड़ी सी फिनिशिंग कर देंगे और हमारा केक तो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद आगे की प्रिपरेशन करेंगे। अब फ्रेंड्स मेरे कस्टमर ने ना एक फोटोग्राफ मुझे दी थी कि आप केक पर ना सीक्रेट मैसेज में वही लगाइएगा, तो मैंने उस फोटो का ना प्रिंट ले लिया है। जैसे फोटो वगैरह हम प्रिंट करवाते थे ना पहले के जमाने में अपने कैमरे से रोल में, तो जहां पर फोटो वगैरह निकलती है वहां पर जाकर के आपको ये फोटो दे करके अपना प्रिंट निकलवाना है। अपने केक का साइज देख लीजिएगा, मेरा जो केक था वो 6 इंच के बर्तन में बना था तो ऑलमोस्ट 6.5 इंच चौड़ाई थी, तो मैंने उस हिसाब से 4.5 इंच की वो फोटो बनवाई है। अब उसको मैंने कट कर लिया है सेंटर के हिसाब से, बट उसके नीचे ना मैंने एक बेकिंग पेपर लगाया है ताकि बहुत देर क्रीम के कॉन्टेक्ट में रहने के बाद भी मेरा ये जो पेपर है वो गले नहीं, क्योंकि है तो पेपर ही, ज्यादा दूरी पर अगर आपको भेजना है तो आप यही करें, अदरवाइज सेलो टेप से भी इस फोटो को कवर कर सकते हैं या फिर क्लिंग रैप से कवर कर लीजिएगा, हाइजीनिकली क्लीन भी आपको करना है। अब फ्रेंड्स फोटो प्लेस करने के बाद मैंने सेम वही फ्रॉस्टिंग को पाइपिंग बैग में भर करके ना स्टार नोजल लगाया है, नूर ये 44 नोजल है, और बस ऊपर मैंने बॉर्डर बनाया है, नीचे बॉर्डर बनाया है। इससे क्या होगा, काफी अच्छा मोटा बॉर्डर बनेगा और जब हम उसके ऊपर अपना पेपर लगाएंगे ना फायर वाला या वेफर पेपर जो भी लगाएंगे उसको इससे गैप मिल जाएगा। इस केक में फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम भी आई थी जो कि मैंने इस वीडियो में शेयर किया है ताकि आपको अगर केक इस तरीके का डिलीवर करना हो तो आपका कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप एक बार में कर पाए, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम किसी को डिलीवर कर रही थी तो इसलिए आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब बात आती है फायर पेपर की। तो इस तरीके का फायर पेपर आपको मार्केट में आसानी से वैसे तो मिल जाएगा फ्लेवरसम शॉप से भी, बट अगर नहीं मिलता तो ये जो एडिबल वेफर पेपर होते हैं ना ये हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो मैं भी कट करके आपको दिखाती हूँ कि फायर लगने पर इसका कैसा रेस्पॉन्स है। तो देखिए जैसे ही आप लगाएंगे ना आग पूरा खत्म ही हो जाएगा, और टच कर रही हूं मैं, देखिए कोई भी ऐश जो है वो नहीं आई है, मतलब कुछ भी कालापन नहीं आता है। तो इस तरीके से इस वेफर पेपर को आप आराम से अपने फायर केक के लिए यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ मेथड है। तो यहाँ पर आज मैं वही यूज करने वाली हूँ। अब बारी आती है अपने केक के ऊपर पेपर लगाने की। तो कितना बड़ा काटना है आपको, क्या करना है, स्केल से इसका मेजरमेंट ले लीजिए। जैसे 6 इंची पर मेरा बॉर्डर है तो मैं यहाँ पर 3 इंची का ये जो कंपस है इसमें ले लूंगी और उस हिसाब से मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी, तो मेरा 6 इंची का ही सर्कल वेफर पेपर पर बन जाएगा। ये प्लेन पेपर नहीं है फ्रेंड्स, ये जो वाला है व्हाइट वाला ये वेफर पेपर है, एडिबल है और इसको आप आराम से अपने केक्स में यूज कर सकते हो। तो अभी मैं सीजर से इसको कट कर लेती हूँ। अब ये मेरे को केक के ऊपर लगाना है, बट प्लेन लगाऊंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे या कुछ ऐसी डिजाइनिंग कर दूंगी। कस्टमर ने एक नाम भी दिया है कि आप प्लीज उस नाम को लिख दीजिएगा, शायद छोटा भाई बड़े भाई के लिए कुछ केक बनवा रहा था सरप्राइज, थोड़ा सा उसको फन करने के वजह से, तो उसने वही वो नाम लिखवाया जो शायद वो बचपन में उनको बोलते थे। ये देखिए स्पेशली मुझे मैसेज करके बोला था कि आप यही लिखिएगा, और थोड़ा सा मैंने उसको डेकोरेट कर दिया अलग अलग कलरफुल पेंस वगैरह से कि बलून्स बना दिए, गिफ्ट बना दिए, स्टार बना दिए। आप अपनी इमेजिनेशन अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी ड्राइंग ऐसे बना सकते हैं। तो मैंने तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लेन वाला वेफर पेपर लिया है क्योंकि मुझे एक मैसेज उस पर लिखना था, बट अगर आपको प्रिंटेड लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब इस पेपर को धीरे से मैंने देखिए इस बॉर्डर पर प्लेस कर दिया और अब दोबारा से एक पतला सा बॉर्डर बनाएंगे ताकि ये पेपर जो है ना वो दोनों बॉर्डर्स के बीच में सेट हो जाए। अब नीचे के बॉर्डर को बनाने से क्या होता है कि हमारे नीचे वाली इस फोटो और इस पेपर में थोड़ा गैप आ जाता है, तो जब ये जलेगा तो एक आराम से जल पाएगा, इसकी आग जो है वो नीचे वाली फोटो पर नहीं पहुंचेगी, तो आपको गैप को मेंटेन करके रखना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ी सी चॉकलेट गार्निशिंग भी मुझे बनानी थी, तो मैंने व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को थोड़ा सा ग्रेट करके मेल्ट कर लिया और मेरे पास ये सिलिकन का मोल्ड था छोटे छोटे चॉकलेट्स का, तो उसमें डाल करके मैंने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा और ये सेट हो गई, क्योंकि उनकी फोटोग्राफ में मुझे कुछ ऐसा ही दिखा तो मुझे उसी हिसाब से काम करना था।
यहाँ पर ये देखिए चॉकलेट को मैंने मोल्ड में डाला और 5 मिनट में ये सेट हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और फिर इसे आप डीमोल्ड कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें कोई कलर भी डाल सकते हैं, बट मैं उनकी फोटो के हिसाब से काम करूंगी। तो ये काम हमारा हो गया। तो अब इन्हें बनाने के बाद मैं केक के ऊपर स्टिक कर दूंगी, जैसे उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी। तो आगे की तरफ मैंने ये लगा दिए, ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा करके, जहां पर भी स्पेस मिल रही है मैं उस हिसाब से काम कर रही हूँ। थोड़ी बहुत को मैं बैक साइड में भी लगा दूंगी। अब मेरे पास फ्रेंड्स थोड़े से ना गोल्डन बॉल्स हैं छोटे बड़े साइज के, तो उनको भी स्प्रिंकल्स कर देती हूँ पूरे केक पर। तो उससे केक थोड़ा सा और अच्छी लुक में आ जाएगा। और ये केक थोड़ा सा टॉल है ना, तो उस हिसाब से डेकोरेशन करनी है। तो मेरे पास ये सिलेंड्रिकल वाले स्प्रिंकल थे, वो भी मैंने कहीं कहीं लगा दिए हैं। उनके केक में कुछ और था, बट मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उसी हिसाब से काम कर रही हूँ। ये देखिए, उसके बाद फ्रेंड्स उनकी फोटोग्राफ में ना केक के ऊपर एक ओरियो बिस्किट भी था, जिसमें थोड़ा सा गोल्डन लश्कर डस्ट का ब्रश किया हुआ था, तो वो मैंने लगा दी। एक मैंने गोल्ड क्वाइन वाली चॉकलेट लगा दी। बस अपने केक को डेकोरेट करने के लिए आपके पास जो अवेलेबल सामान हो, जो आपके केक पर अच्छा लगे, आप उसे एडजस्ट करके केक को डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लश्कर डस्ट लगाई, तो जो ये बिस्किट है ना वो थोड़ा शाइन करने लगा। और इस तरीके से ऑलमोस्ट मैंने चॉकलेट्स के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा लगा दिया। थोड़े मेरे पास गोल्डन फ्लेक्स थे, वो भी लगा दिए। और जितना भी ये सामान है ना फ्रेंड्स, स्प्रिंकल, गोल्डन लश्कर डस्ट, फ्लेक्स, ये सब मैंने पूना में जो फ्लेवर सम शॉप है ना वहां से मंगाया है। अगर आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, नहीं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप उनसे व्हाट्सअप मैसेज करके अपना कोई भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं बेकिंग से रिलेटेड। तो केक हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है फ्रेंड्स। मैंने इसके खूब सारी फोटोग्राफ वगैरह खींच ली और खूब सारे रील्स बना लिए, और इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ही अपने जहाँ ये रखा है वहीं छोड़ दिया कि 1 घंटे बाद इसको पैक करूंगी जब इसे मुझे भेजना होगा। तो मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा। आपको भी फ्रिज में इस तरीके के केक को नहीं रखना जिसमें आपने वेफर पेपर या फायर पेपर लगाया हो, क्योंकि फ्रिज में जाने से ये मॉइस्चर ले लेगा और फिर ये जलने में प्रॉब्लम देगा। तो ऐसे केक्स को फ्रिज में कभी भी स्टोर नहीं करना है बनाने के बाद। लेकिन अगर आपको बहुत देर बाद इस केक को देना है तो आप सारा काम कर लें और फायर पेपर को उसी वक्त लगाएं जब ये डिलीवर करना हो। तो मैंने तो पहले लगा दिया था, बट मैंने फ्रिज में नहीं रखा। लेकिन कुछ देर बाद मैंने जब देखा तो ये जो पेपर है ना, ये सॉफ्ट हो चुका था, ऊपर वाला वेफर पेपर, क्योंकि इसने साइड के बॉर्डर से ना मॉइस्चर ले लिया था। और मॉइस्चर लेने के बाद ये थोड़ा ढीला हो गया, जिससे कि ये फोटो पर नीचे टच होने लगा। तो मतलब मेरी तो होश ही उड़ गया कि अब मैं क्या करूं, मुझे केक भेजना है, और अगर भेजने के बाद ये जला नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैंने फिर अपना दिमाग चलाया और इस पेपर को रिमूव किया। अभी दिखाती हूँ, ये देखिए पेपर कितना सॉफ्ट हो गया है किनारे की क्रीम की वजह से। तो मैंने क्या किया, इसको हटाया, बॉर्डर को डबल बनाया इस बार ताकि ये और हाइट ले ले। फिर मैंने दूसरा वेफर पेपर लिया, उस पर सब कुछ वैसे ही लिखा और किनारे पर ना सेलो टेप लगा दी, जिससे क्या होगा जब मैं इसे बॉर्डर पर प्लेस करूंगी तो वो किनारों से मॉइस्चर नहीं लेगा। और फिर उसके ऊपर भी बॉर्डर बनाया है तो वहां से भी मॉइस्चर नहीं जाएगा। और इस तरीके से ये वाला आइडिया मेरा सक्सेसफुल हो गया। तो मतलब मैंने जो पहले करी थी ना गलती, वो ये थी कि बॉर्डर थोड़ा कम ही चौड़ा बनाया था, और दूसरा मैंने बहुत समय पहले, 1 घंटा पहले ही पेपर को लगा दिया। तो आपको 10 से 15 मिनट पहले ही पेपर को लगाना है और बॉर्डर थोड़ा और मोटा बनाना है। अब जब मैंने ये बना लिया तब एक कस्टमर का मैसेज आ गया कि कुछ इस तरीके का टॉपर भी लगा दीजिएगा। तो ऊपर तो कहीं स्पेस नहीं थी, मैंने टॉपर लिया, उसकी जो स्टिक थी उसे कट किया और साइड में इस तरीके से लगा दिया। बहुत ही फर्स्ट क्लास केक बन गया। और थोड़ी क्रीम बच रही थी पैकिंग बैग में, तो साइड में इधर उधर थोड़े से स्टार फ्लावर बना दिए, थोड़े रोजेट बना दिए, एंड फाइनली फ्रेंड्स उसमें सांस आई कि मेरा केक रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप भी वेफर पेपर से भी केक्स बना सकते हैं, ये जो ट्रेंडिंग सीक्रेट मैसेज वाले या सीक्रेट फोटो वाले केक्स आते हैं। और फायर पेपर भी आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वेफर पेपर तो हर जगह मिलता है। तो जरूर से जरूर मंगाइए, इस तरीके के केक्स को ट्राई कीजिए। चाहे तो यही वाले केक की फोटोग्राफ अपने स्टेटस पर लगाइए, नाम मेंशन करके, आपको जरूर ऑर्डर मिलेंगे। और बस केक क्योंकि टॉल था तो मैंने टॉल वाला बॉक्स लिया, विंडो वाला, और बस सावधानी से उसे इस तरीके से इसमें प्लेस किया। और फ्रेंड्स ये जो केक है ना वो मुझे IIT कॉलेज में भेजना था, तो वहां पर बच्चे होते हैं, हॉस्टल होता है, तो उनके पास शायद मोमबत्ती, अगरबत्ती ये सब ना मिले। तो मैंने ना इस बॉक्स के साथ उन्हें एक अगरबत्ती भी दी थी, क्योंकि क्या होता है कैंडल से जलाते हैं ना तो एकदम ये आग पकड़ करके ना मतलब 2 सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन अगरबत्ती से अगर आप फायर लगाएंगे ना तो धीरे 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 लिटअप होता है और देखने वाले को फिर मजा आता है। तो मैंने इसे पैक करने के बाद ना साथ में अगरबत्ती इसलिए दी कि बच्चों के पास शायद ना हो तो वो आराम से जला। और मैं ना फ्रेंड्स वीडियो के एंड में आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगी जब उन्होंने इसमें फायर लगाई तो सक्सेसफुली वो फायर जली भी और जो सीक्रेट मैसेज वाला फोटोग्राफ था वो भी दिखा। तो इस तरीके से अगर आपको केक दूर डिलीवर करना हो, ये फायर पेपर वाला या वेफर पेपर वाला, तो आप मैंने जो प्रोसीजर आपको बताया उसी को फॉलो करना है। आपको देखिएगा रिजल्ट एक ही बार में परफेक्ट मिलेगा। पैक करने के बाद मैंने थैंक यू का स्टिकर लगा दिया, एक नाइफ लगा दिया, और साथ में फ्रेंड्स मैंने एक अगरबत्ती भी लगा ली साइड में, आप देख सकते हैं ये देखिए। तो केक हो गया पैक। इसकी ऑलमोस्ट प्राइसिंग जो है वो साइड में आप देख सकते हैं, आइडिया के लिए ये अप्रॉक्स है, आप अपनी जगह के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और ये है वो क्लिप जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की, ये देखिए केक उन्होंने खोला, अगरबत्ती जला के सेंटर में जो है हल्का सा टच किया और इतने बढ़िया से ये वेफर पेपर जो है लिट अप हुआ, ये देखिए।
तो है ना कमाल का इफेक्ट। और देखिए जलने के बाद कोई ऐश कहीं से कुछ नहीं आई और जो फोटोग्राफ हमने लगाई थी वो भी क्लियरली विजिबल है, ये देखिए। तो वीडियो पसंद आ गई है फ्रेंड्स, मुझे पता है आप सभी को, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ट्राई जरूर कीजिएगा इस तरीके के इंटरेस्टिंग इनोवेटिव आइडिया को। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसे ही नया कुछ धमाकेदार सा सीखने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।